सो हेलो एवरीवन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा पढ़ के हो जाता है, उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आते हैं, बट कंडीशन ये हो जाता है कि अगर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम के अंदर। तो गाइस, प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी रही तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, बट वो अगर अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर लेते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। गाइस, इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट है वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में अपना पेपर प्रेजेंटेशन कैसे किस तरीके से रखे, तो मैं उसको अभी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आप मैंने एक बोर्ड का आंसर शीट ले रखा है, तो यहाँ पे फिलहाल आपको यहाँ पे स्कूल नेम दिख रहा होगा, ये वहाँ पे नहीं रहने वाला फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेंटर नेम, ठीक है। तो सेंटर नेम के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास मैंने एक हॉल टिकट ले रखा है। हॉल टिकट से कंपेयर करके बताता हूँ मैं कि जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा सेंटर नेम में, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सेंटर नेम दिया हुआ है। तो इस सेंटर नेम को जहाँ पे 4 डिजिट का सेंटर नेम दिया हुआ है, और ये 4 डिजिट का जो सेंटर नेम है वो यहाँ पे आप क्या करने का पहले फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 8838, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8838, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जस्ट क्या कर लेता, लिख लेता सीट्स सेंटर नेम में, क्या करूँगा मैं 8838, मैंने सेंटर नेम लिख दिया। तो यहाँ पे आप सेंटर नेम लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीट नंबर। तो गाइस, जो सीट नंबर है आपको यहाँ पे फिलअप करना रहता है सीट नंबर। तो सीट नंबर अगर मैं बात करूँ हॉल टिकट में, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे सीट नंबर मिल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया रहेगा ए करके, या फिर अगर आप 12th स्टैंडर्ड में तो यहाँ पे एम करके आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये जो सीट नंबर है इसको पहले यहाँ पे ऐसे का ऐसा लिख लेना, क्या लिखा है 8278851515, मैंने लिख लिया सीट नंबर। सीट नंबर लिखने के बाद आप जब नीचे देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा इन वर्ड्स में लिखना है। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश यूनिट टेंस 100,000 10,000 लैख, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे 2,75,000 8 100 15। तो गाइस, आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, आपको थोड़े से स्पेस में क्या करना रहेगा, उसको पूरे को लिखना रहेगा। तो आप कंजेस्ट करके लिखिए, आपके लिए बेटर होगा। गाइस, आपको 2 ही लाइन ही मिलते हैं यहाँ पे ये वर्ड्स में लिखने के लिए, तो आपको इसी लाइन में क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। देन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर देता फिलहाल, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो एग्जामिनर रहेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे। देन इसके नीचे जरा आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा गाइस, तो ये जो फिलअप करना रहेगा वो आपको एग्जामिनर बताएगा कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आपका रहेगा आपको लिख देना है। फिलहाल मैंने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, मैंने हिंदी का ले रखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिंदी। यहाँ पे गाइस पेपर लिखा है तो यहाँ पे आपको डैश कर देना है। फिलहाल यहाँ पे पेपर, जैसे कि आप अगर साइंस में देखोगे तो साइंस 1 साइंस 2 दो पेपर रहता है, अगर मैं मैथ्स में देखूँ तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 रहता है, बट हिंदी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता, इंग्लिश मराठी ऐसा लैंग्वेज में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे लैंग्वेज में आपको क्या करना है, डैश कर देना है। देन डेट में जो डेट रहेगा वो लिखना है, तो फिलहाल मैं डेट लिख देता हूँ अपना 2 लैंग्वेज यानी किस लैंग्वेज में आप पेपर को रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो यहाँ पे फिलहाल हिंदी का पेपर है तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा करके, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हिंदी लिख देना है। देन आप यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे सप्लीमेंट का दिया हुआ है गाइस, आप अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हो तो ये तो एक सप्लीमेंट है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ प्लस करके दिया हुआ, आप जितना भी लोगे वहाँ पे क्या कर देना है, लिख के टोटल मार्क करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते जरा यहाँ पे, तो देन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है एक्चुअल में पेपर में। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना रहता है गाइस। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैं अभी बात करूँ, मेरे पास आंसर शीट है, मैं अभी हॉल टिकट को साइड में रखता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन शीट दिख रहा होगा, तो गाइस आप क्वेश्चन शीट में अगर देखोगे तो यहाँ पे
सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा कृति वन अ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है मेरा और अ तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर वन का अ, ठीक है गाइस। मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर वन का। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद गाइस आपको लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं, आपको यहाँ पे लिखते आना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी दिया है मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन लिखूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा गाइस। बट एक और कंडीशन है कि आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ना इस साइड में एक लाइन खींचनी पड़ती है। ये जो लाइन होती है लगभग आपको क्या करना पड़ता है, एक से डेढ़ सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप लेना है यहाँ पे साइड में, ठीक है। यहाँ पे एक से या फिर दो उंगली का गैप छोड़ दो, ठीक है। दो उंगली का गैप छोड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन क्या करना है ड्रॉ कर लेना है ऐसा। अब ये लाइन क्यों ड्रॉ किया जाता है गाइस, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे आंसर्स को लिखते हो, ठीक है, इसके बीच में आप आंसर को लिखते हो बोर्ड में ना, यहाँ पे एक्चुअल में सिंगल लाइन दिया रहता है, आपको यहाँ पे एक अंदर वाली लाइन ये ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो, यहाँ पे जो लाइन्स होती है यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे ये जो लाइन्स होती हैं, ठीक है, ये जो आपने ड्रॉ किया है इसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर साइन करता है पेपर और यहाँ पे आपको मार्क्स देता है, ठीक है गाइस, तो दिया जाता है, ठीक है गाइस। आपको आपको ये पूरे सीट में क्या कर लेना है, ऐसे लाइंस क्या कर लेने हैं, ड्रॉ कर लेने हैं यहाँ पे। आपको ऐसे पूरे सीट में क्या कर लेने हैं गाइस, ऐसे ही लाइंस क्या कर लेने हैं, ड्रॉ कर लेने हैं। देन तो गाइस मैंने जैसे कि लिखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अ का वन, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने देखा, हाँ ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर अ का वन आ गया, ठीक है। देन इसके बाद मैं टर्न करता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा। देन मैं इसको टर्न करता हूँ, टर्न करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये कट करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हाँ से क्या करूँगा, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। अब ये लाइन मैंने क्यों छोड़ा ये मैं आपको बताता हूँ। अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी जब मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन देखूंगा तो गाइस यहाँ पे लिखा है टू का वन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू, ये मैंने फर्स्ट वाले के लिए आंसर छोड़ दिया। अब सेकेंड वाले का मैं लिखूंगा यहाँ पे टू लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे टू लिखा मैंने और टू का क्या है यहाँ पे फर्स्ट है, तो फर्स्ट को मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा और मैं इसका आंसर क्या करूँगा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूंगा, फर्स्ट का फर्स्ट लिखूंगा यहाँ पे, मैं सेकेंड का सेकेंड लिखूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या करूँगा कंटिन्यू करूँगा। देन इसके अंदर ही फर्स्ट के अंदर ही आपको दिखा होगा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, तो फर्स्ट के अंदर ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो अब ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो मैं सेकेंड के लिए बस यहाँ पे नीचे लिख दूंगा यहाँ पे सेकेंड और यहाँ से मैं क्या करूँगा कंटिन्यू कर दूंगा इसको। देन आपको दिखाई देगा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन अब जो ये है अब इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा गाइस, ठीक है। मतलब क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन नंबर दिया रहता है, ठीक है। उसके अंदर अगर दो दो क्वेश्चन दिए हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है उसको आपको बाहर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है ऐसा अंदर लिखना है, और उसके अंदर अगर आपको नंबर्स दिए रहते हैं तो क्या करना है वो अंदर ही लिख के क्या करना है सॉल्व कर देना है। देन अभी जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। सपोज ये आपको दिया है, अभी आ गया क्वेश्चन नंबर आ, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है कि ये दूसरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ आपका सॉल्व हो चुका है गाइस, ठीक है। अब ये आपको दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो दूसरा पैराग्राफ आपको यहीं से कंटिन्यू नहीं करना है गाइस, ठीक है। आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं करना है, आपको क्या करना है ये पेज को टर्न करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पेज को टर्न करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है गाइस, यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर अ का आ, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इसके, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इसके अटेंड करने हैं, ठीक है। देन अगर दूसरा क्वेश्चन आता है जैसे कि अभी आ गया ई, जैसे कि अभी यहाँ पे आ गया, आप देखोगे क्वेश्चन में क्या आ चुका है, क्वेश्चन नंबर ई आ चुका है। तो अब ये जो ई वाला रहेगा गाइस इसको भी यहाँ पे गाइस, तो अब इसको यहाँ पे नहीं सॉल्व करना, अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको नेक्स्ट पेज पे पलटी करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर वन का ई, और यहाँ पे इसके जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे क्या करने हैं आपको सॉल्व करने हैं। देन आपको क्या करना है पेज को क्या करना है टर्न करना है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा
यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो अब इसको क्या करना है, इसको दूसरे पेज पे टर्न करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई का बड़ा ही लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। तो ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बड़ा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे वन का बड़ा ही मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या करना है, इसको जितने भी क्वेश्चन से क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आता तो नेक्स्ट पेज पे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। लेकिन कंडीशन ये कि ये वाला जो बॉक्स है, अब जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हो, जिसका आंसर लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जिस क्वेश्चन नंबर का, आपको यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन नंबर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला, यहाँ पे सपोज दो ही क्वेश्चन आया, ठीक है, पीछे दो ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर वन आया और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू आया, ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर वन और यहाँ पे टू आया। लेकिन यहाँ पे टोटल चार क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पेज को पलटूंगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर वन का बड़ा ही लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं थ्री, और यहाँ पे लिखूंगा मैं फोर, और इसको सॉल्व करूँगा। देन अभी मेरा आ चुका है कृति टू का अ, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कृति टू का अ। अब नेक्स्ट पेज पलटेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कृति टू का अ, और यहाँ पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा गाइस अ वाला, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको पेपर प्रेजेंटेशन देने, अगर आप इस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन दे दो गाइस, तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जितने भी मार्क्स आपके मिलने वाले हैं।